आगे आगे धीरे धीरे बोलो। हाँ फर्स्ट डिवीजन का अधिकारी कब बने? फर्स्ट डिवीजन का अधिकारी कब बने? अरे धीरे धीरे बोलो। फर्स्ट डिवीजन का अधिकारी कब बने? अधिकारी फर्स्ट डिवीजन के तब बनेंगे जब फर्स्ट क्लास से पुरुषार्थ करेंगे। पुरुषार्थ कहा ही जाता है आत्मा के लिए जो किया जाए। अपन को देखना है कि हम 24 घंटे में देह के लिए कितना करते हैं। बाबा तो कहते हैं बच्चे निद्रा जी तो बनना है, तो निद्रा देह के लिए लेते हैं या आत्मा के लिए लेते हैं? है 6-8 घंटे तो देह के लिए निकल गई है, अब रह गए 16 घंटे। तो 16 घंटे में भी देखें कि देह के लिए हम कितना करते हैं। क्या पुरुष अर्थ, पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए, और देह के लिए हम कितना टाइम देते हैं? तो फर्स्ट क्लास आना है तो क्या करना पड़े? अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करना है। अब जो करेंगे सो पावेंगे। और जब से ज्ञान में आए हैं, जब से आत्मा परमात्मा का परिचय मिला है, तब से लेकर अब तक अपना रिकॉर्ड देखें कि हमने कितना और कैसा पुरुषार्थ किया है। क्योंकि लंबे समय का पुरुषार्थ अंत में काम आवेगा। ऐसी नहीं कि थोड़े समय का पुरुषार्थ काम में आ जाएगा। इससे साबित होता है कि फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी आत्माएं जो 8 निकलती हैं, जो धर्मराज की सजाएं भी नहीं खाती हैं, वो जब से ज्ञान में निकलती हैं उसी क्षण से अंत तक तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क की शक्ति से, संबंधियों की शक्ति से, सारी की सारी ताकत आदि से लेकर अंत तक इस कार्य में लगाती हैं, ईश्वर के कार्य में लगाती हैं, तब पास वेदानर होते हैं। तो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसे ही पास मार्क्स आवेंगे। अंतर्मुखी बनने के लिए और मौन की भाषा सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? मौन की भाषा सीखने के लिए पहले संकल्पों का मौन करना पड़े। ऐसे नहीं
कि भक्ति मार्ग के सन्यासियों की तरह बाहर से मुख से बोलना बंद कर दिया और अंदर से संकल्पों का घुमाड़ा चलता रहे। संकल्प भी जाम होना चाहिए, अच्छे संकल्प भी न चलें और बुरे संकल्प भी न चलें, एकदम आत्मिक स्थिति, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, एकदम निराकारी स्थिति, तो जरूर निर्विकारी निरहंकारी बन जावेंगे। और परमात्मा के स्टेज के जैसा करूंगा, परमात्मा की स्टेज का, परमात्मा के स्टेज के जैसा करूंगा, उनका नाम ही है परमात्मा। जो भी आत्माएं हैं उन आत्माओं के बीच में, अर्थात पार्टधारी आत्माओं के बीच में परम पार्ट बजाने वाली आत्माएं एक्टर्स है ना, ये सच रूपी रंगमंच है, इस रंगमंच पर भांति भांति के एक्टर्स हैं। उन एक्ट करने वाले एक्टर्स के बीच में जो परम पार्ट बजा के दिखाता है, और पार्ट भी कैसा, श्रीमत के अनुकूल पार्ट हो, श्रीमत के विपरीत पार्ट न हो, मनुष्य मत पर पाठ न बजावे, मन मत पर पाठ न बजावे। और वो तो तभी हो सकता है जब ईश्वर के ज्ञान की धारणा रग रग में भरी हुई हो। अगर ईश्वरीय पढ़ाई ही नहीं पढ़ी है तो परम पार्टदारी कहां से बन जावेंगे। ईश्वर आता है तो कुछ पढ़ाई पढ़ाता है या नहीं पढ़ाता है, पढ़ाता है। जो उस पढ़ाई की कदर करते हैं, अर्थात रेगुलर पढ़ाई पढ़ते हैं, पंक्चुअल पढ़ाई पढ़ते हैं, और पढ़ाई पढ़ने के साथ साथ उस पढ़ाई को जीवन में धारण भी करते हैं। पढ़ाई के चार सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। पहला सब्जेक्ट ज्ञान का आता है। जो जितना ज्ञानी होगा वो याद में उतना ही तीखा जावेगा, और जो याद में तीखा जावेगा वो ईश्वरीय सेवा में भी तीखा जावेगा। सेवा करने वालों में धारणा भी स्वतः ही आती रहती है, तो सारा मदार किस बात पर हो गया, ज्ञान के ऊपर सारा मदार हो गया। ज्ञान मानने ही जानना, पहचानना, अपनी आत्मा के पार्ट को कितना जाना और परमपिता परमात्मा को कितना पहचाना। देह और शरीर एक ही बात तो है,
देह को ही शरीर कहा जाता है। देहभान से मरने का मतलब है कि आत्मा के सिवाय और कुछ याद न रहे। जैसे देवताएं होते हैं सतयुग त्रेता में, उनको 24 घंटे अपनी आत्मिक स्मृति ज्योतिबिंदु सितारा याद रहता है। दूसरों को देखते हैं तो भी ज्योतिबिंदु आत्मा को देखते हैं, देह की तरफ उनका कोई आकर्षण नहीं जाता। तो ऐसी स्मृति की स्टेज बनाएंगे तब कहेंगे देह से मर गए। आत्मिक स्थिति में रहने वालों की भूख भी खत्म हो जाती है, प्यास भी नहीं लगेगी, निद्रा भी नहीं आवेगी। देवताएं सोते हैं क्या? उनको थकान होती है क्या? क्यों नहीं थकान होती है? क्योंकि थकान देह को होती है या आत्मा को होती है? देह को थकान होती है। तो देहभान में रहने से थकान होगी, इसलिए बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति में तुम आबू रोड से माउंट आबू तक चले जाओ, तुमको थकान ही नहीं होगी। और कल्याणकारी शिव बाबा है तो बच्चे भी कल्याणकारी तो होंगे, लेकिन नंबरवार कल्याणकारी होंगे या एक जैसे कल्याणकारी होंगे? और नंबरवार कल्याणकारी भी वही होंगे जो अपने कल्याण की परवाह भी न करें। ऐसा अखूट निश्चय बैठ जावे स्वयं के ऊपर कि मैंने तो पाना था सो पा लिया, अब मुझे अपनी कोई परवाह नहीं। जैसे शिव है, शिव इस सृष्टि पर आता है तो बच्चों से कोई आशा करता है क्या? जैसे लौकिक दुनिया में बाप होते हैं तो बच्चों से आशा करते हैं कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये बच्चे मेरी परवरिश करेंगे, तो बड़े बच्चे से ज्यादा आस रहती है। क्यों? क्योंकि लौकिक बाप जानते हैं कि बड़ा बच्चा जल्दी बड़ा हो जाएगा, धंधे देवरी को संभाल लेगा, मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा। तो लौकिक बाप में देहभान होता है इसलिए उनको ये चिंता रहती है। ये तो पारलौकिक बाप है, इसको अपनी देह है ही नहीं। ऐसे ही बच्चे भी ईश्वरीय सेवा में ऐसे तल्लीन हो जावे जैसे देह देह नहीं, फिर बाप बाप नहीं, बच्चा बच्चा नहीं, स्त्री स्त्री नहीं, सब देह के संबंध खत्म, एक बाप दूसरा न कोई। देवता जो अनिश्चय बुद्धि में आते हैं कितना दिन, अष्टदेवता भी आगे बात पर जो अनिश्चय बुद्धि में आते हैं कितना देर तक, कितना देर तक, कितना समय के लिए अनिश्चय बुद्धि अष्टदेवता?
निश्चय बुद्धि विजयते, ये गाया हुआ है। अब चूंकि 5000 वर्ष की शूटिंग होती है, तो 5000 वर्ष की शूटिंग में आत्मा की सदैव विजय ही होती रहती है, या हारते भी हैं। तो जब तक देहभान नहीं मिटा है तब तक हमारी हार है। देहभान होने के कारण हमको घड़ी घड़ी निश्चय और अनिश्चय आता रहता है। बाप के ऊपर निश्चय आता है तो हमारी विजय है, अनिश्चय आता है तो हार होती रहती है। जब हम निरंतर समय के लिए, सदा काल के लिए निश्चय बुद्धि बन जावेंगे, तब हमारी विजय ही विजय होगी और हम विजय माला के दाना बन जावेंगे। और बाबा के समान अखंड नारी पुरस्कारी कब देंगे? जब शिव बाबा की तरह देह अभिमान से रहे तो हो जावेंगे। ट्रांस संदेश, जो ट्रांस संदेश है वो भक्ति मार्ग में भी चलता रहा है। जैसे यहाँ ज्ञान मार्ग में जब आरंभ हुआ था, संगम युग के आदि में, तो फाउंडेशन भक्ति मार्ग का था या ज्ञान मार्ग का था? है भक्ति मार्ग का फाउंडेशन था। तो दुनिया में 63 जन्मों में, अर्थात तो द्वापर और कलयुग में, जो बंद आंखों के साक्षात्कार होते रहे, मीरा को हुए, सूरदास को हुए, तुलसीदास को हुए, रैदास को हुए, ऐसे ही साक्षात्कार यहाँ ज्ञान मार्ग में भी होते रहे। उन साक्षात्कारों से कोई फायदा नहीं होता है, सिर्फ थोड़े समय की खुशी मिल जाती है, अल्पकाल की। फायदा तब होता है जब वो भक्ति मार्ग के साक्षात्कार ज्ञान मार्ग के बुद्धि के साक्षात्कार में बदल जाते हैं। बुद्धि से ये अनुभव होने लगे कि भगवान बाप कैसे आकर स्वर की रचना करते हैं, कर रहे हैं, और उस स्वर की रचना में, स्थापना में, पालना में, अथवा पुरानी दुनिया के विनाश में हमारा क्या क्या पार्ट है, ये भी बुद्धि से समझ में आने लगे, तब कहेंगे ज्ञान मार्ग का साक्षात्कार। उससे स्थायी खुशी होगी, नहीं तो भक्ति मार्ग के जो साक्षात्कार होते रहे, जैसे मीरा को साक्षात्कार हुए, बैकुंठ में जाती थी अल्पकाल के लिए, परंतु स्वर्ग में तो नहीं गई, कहां जन्म लेती रही, इसी नरक की दुनिया में जन्म लेती रही। और बाबा, एक मत संगठन बनाने वाले कितनी आत्मा है? एक मत संगठन बनाने वाले कितनी आत्मा है? एक मत तो एक ही बनाता है, दो होंगे तो द्वैतवाद पैदा कर देंगे। बाबा के सामने याद कुकार करके बैठना चाहिए।
याद निराश और ज्ञान करके बैठना चाहिए बाबा के सामने याद करना। शिव बाबा के सामने शिव बाबा की याद में ही बैठना चाहिए, दूसरों की याद में क्यों बैठना? क्या ऐसा अष्टाचार है इधर भी किसी बाबा याद है? एक ही शिव बाबा याद रहे और कोई याद ना आए, भले आंखें खुली हुई हो तो भी कौन याद आए? शिव बाबा याद आए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास करेंगे तभी ऐसी स्थिति बनेगी। अव्यक्तवाणी में नहीं करते हैं, मूली में मीठे बच्चे क्यों करते हैं? क्योंकि सेवा मीठे से मीठा है या सेवा कड़वा भी है? है सेवा मीठा है तो उसे मीठा ही मीठा दिखाई पड़ता है। सेवा नई दुनिया बनाते हैं या पुरानी दुनिया बनाते हैं? जो नई दुनिया मीठी दुनिया बनाने वाला है उसे बच्चों का रूप भी आदि का दिखाई पड़ता है। वर्तमान रूप नहीं देखते हैं बच्चों का, कौन सा रूप देखते हैं? जो नई दुनिया का नया रूप है वो उनको दिखाई पड़ता है। इसलिए शिव बाबा के मुख से मीठे मीठे बच्चे निकलते हैं। जो देह अभिमानी सांडे हैं उनको तो शिव बाबा देखते ही नहीं, किनको देखते हैं? जो मीठा पुरुषार्थ करने वाले बच्चे हैं उनको ही देखते हैं। अच्छा बाबा, शिव बाबा की पिछली दुनिया में वो ब्राह्मण झूठ बोलते हैं, बच्चे तो हो ही नहीं सकते हैं, हो ही नहीं सकते। शिव बाबा की पिछली दुनिया में वो ब्राह्मण झूठ बोलते हैं? बाबा की तीसरी दुनिया माने का क्या? ब्राह्मण है एडवांस के बच्चे, हाँ सूर्यवंशी तो हो ही नहीं सकते, झूठ बोल ही नहीं सकते हैं, तो कौन ब्राह्मण झूठ बोलते हैं? अभी तो सारे झूठे हैं, या झूठ की दुनिया में कोई सच्चा है? अभी तो सारे झूठे हैं, पतितों की दुनिया में सब पतित होते हैं और पावन दुनिया में सब पावन ही पावन होते हैं। हाँ, पतित दुनिया को पावन बनाने वाला एक ही बाप है और बनाता भी एक के द्वारा है, अनेकों के द्वारा नहीं बनाता है। जिसे एक के द्वारा बनाता है वो बाप ही यज्ञ पिता कहा जाता है। यज्ञ कहा ही जाता है स्वाहा करने को, तन भी स्वाहा, मन भी स्वाहा, धन भी स्वाहा, सारा समय भी उस ईश्वरीय सेवा में स्वाहा। जो संपर्क में आने वाले हैं उनकी शक्ति भी स्वाहा, और जो संबंधी हैं या संबंध में आने वाली आत्माएं हैं उनकी शक्तियां, सारी शक्तियां ईश्वरीय सेवा में स्वाहा। तब कहा जाता है यज्ञ पिता का यज्ञ, जिसका नाम पड़ता है रुद्र यज्ञ। रौद्र रूप धारण करने वाले का यज्ञ, सूर्य स्वयं जलता है तब संसार को तपाता है, चंद्रमा स्वयं शीतल है तो दूसरों को भी क्या प्रदान करता है? शीतलता प्रदान करता है। उस चंद्रमा की शीतलता से सारा संसार टिका रहेगा या ईश्वर के ताप से सारा संसार टिकता है?
चंद्रमा की रोशनी में कीड़े मकोड़े पलते हैं और सूर्य की रोशनी में कीड़े मकोड़े मुरझा जाते हैं, तड़प तड़प के मर जाते हैं। और 2026 का अंतिम दिनांक है, लोनाथ आत्मा सम्मान काबू में होंगे या अलग? नौ लाख आत्माओं में 4.5 लाख तो जन्म लेने वाले हैं और 4.5 लाख जन्म देने वाले हैं। तो जन्म लेने वाले हैं वो तो सूक्ष्म वतनवासी होंगे या माउंट आबू में होंगे, होने की तो बात ही नहीं। अब रह गए 4.5 लाख, तो जो 4.5 लाख हैं अंतिम विनाश के समय में एक जैसा पुरुषार्थ बनाने वाले चलाने वाले हैं या नंबरवार पुरुषार्थी हैं, वो बीज रूप आत्माएं हैं संसार की, जो सूर्यवंशी बीज हैं उनका पार्ट अलग है, जो चंद्रवंशी बीज है उनका पार्ट अलग है। स्थापना के कार्य में सूर्यवंशियों ने ज्यादा मदद की या चंद्रवंशियों ने ज्यादा मदद की है? सूर्यवंशियों ने ज्यादा मदद की कि आदमी ही छोड़ के भाग गए है? सूर्यवंशियों ने ज्यादा मदद की या आदि में ही छोड़ के चले गए ना? तो स्थापना किसने की? ब्राह्मण धर्म की। चंद्रवंशियों ने स्थापना की और जो स्थापना करते हैं वो पालना भी करते हैं। जो घर बनाता है वो घर की परवरिश भी करता है, देखभाल भी करता है। जिन्होंने घर को तोड़ना सीखा है या तोड़ने वाले हैं उनको मकान का कुछ ज्यादा महत्व होता है या बनाने वालों को ज्यादा महत्व होता है? बनाने वालों को ज्यादा ममत्व रहता है। इसलिए जो ब्रह्मा स्थापनाकारी वही ब्रह्मा पालनाकारी विष्णु बनता है, अर्थात ब्रह्मा सो विष्णु कहा जाता है। तो विजयमाला के मणके कहां से आवेंगे? जो विकारों पर जीत पावेंगे पहले पहले, और विकारों पर जीत पाने वाले ईश्वर के संगठन में आवेंगे। वो बैठ करके माउंट आबू में तपस्या नहीं करेंगे, वो कौन से देश में जावेंगे है? नहीं, जमुना का कंठा गाया हुआ है। दिल्ली है स्थापनाकारी, माउंट आबू में तो तपस्या चलेगी। तपस्या करने वाले पाप आत्माएं होंगे या पुण्यात्माएं होंगे हैं? पाप आत्माएं होंगे। अंत तक तपस्या चलती रहेगी। विजय माला का सूर्यवंशी जब तक विजय माला में नहीं भेड़ होंगे तब तक वो उनका उद्धार नहीं होने वाला है क्या? जी, माता गुरु बिगड़ उद्धार हो नहीं सकता। माताएं कन्याएं ही पवित्रता की बात में आगे जाती हैं। वो ही
पवित्रता पर विजय दिलाने वाली है। तो कन्याओं माताओं का जखीरा निकलता ही है चंद्रवंश से। और हम बच्चे ऐसा मूर्ति में करने का मतलब है जैसे सीता ने रावण की तरफ पीठ कर दी तो रावण को ध्यान नहीं देती है। ध्यान किस तरफ देती है? राम की तरफ ध्यान देती है। जैसे कृष्ण के हाथ में दिखाते हैं स्वर्ग का गोला और पांव में दिखाते हैं नरक का गोला, माने नरक को लात मारता है और स्वर्ग को बुद्धि रूपी हाथ में रखता है। यही अर्थ है पीठ और मुख का। आप बोलते हैं कि तुम बच्चे को खातिर करते हैं। उन बच्चों की खातिरी नहीं करते हैं, इन बच्चों की खातिरी नहीं करते हैं, तुम बच्चों की खातिरी करते हैं। तो तुम माने क्या, इन माने क्या और वो माने क्या? उनकी खातिरी नहीं करते हैं माने क्या? उन माने जो दूसरे धर्म के हैं या और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन बच्चों की खातिरी नहीं करते हैं। वो दूर के बच्चे हैं इसलिए बोल दिया उन, इन बच्चों की भी खातिरी नहीं करते हैं। क्यों? इन किसे कहते हैं, इस किसे कहते हैं? हैं? इन या इस किसे कहते हैं? इसने नहीं जाना, माने ब्रह्मा ने और ब्रह्मा के जो भी फॉलोअर्स हैं उनकी भी खातिरी नहीं करते हैं। किसकी खातिरी करते हैं? तुम बच्चे माने क्या, जो बाप के सन्मुख बैठते हैं। सन्मुख का मतलब ये नहीं है नाक से नाक भिड़ा के बैठ गए। सन्मुख मन बुद्धि से होता है या शरीर से होता है? हैं? हाँ, मन और बुद्धि से अर्थात दिल से जो सन्मुख हैं, दिल से विमुख नहीं है। नहीं तो क्या होता है? मुख में राम, बगल में छुरी, ऐसी बात नहीं है तुम बच्चों की। तुम बच्चों का मतलब ही है तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों से सदैव सन्मुख हाजिर रहना। संकल्प मात्र भी विरोधी न बनना। अगर संकल्प भी बाप के संकल्प के विरोध में आते हैं तो सन्मुख हैं या विमुख हैं? जैसे कहते हैं ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई, तो क्या सिर्फ ब्रह्मा के संकल्पों से ही सृष्टि रची जाती है या ब्राह्मण भी उसमें शामिल हैं? ब्राह्मण भी संकल्प चलाते हैं, श्रीमत के अनुकूल संकल्प चलाते हैं, तो स्वर की सृष्टि रचने में सहयोगी है। अगर श्रीमत के बरखिलाफ संकल्प चलाते हैं, बाप के संकल्पों के वर खिलाफ संकल्प चलते हैं, तो बाप के विरोधी हैं। आज नहीं तो कल वो रावण संप्रदाय के खेमे में दिखाई पड़ेंगे। अनिश्चय बुद्धि विनश्यते हो जाएंगे। अब इतना पढ़ते पूछ लेते हैं, पेन गाड़ी लाते हैं तो पूछ लेते हैं, तो आपके सामने बैठते तो आपके स्थिति हो जाती सब हो जाती। परम धाम वासी बाप है,
परम धामवासी बाप 5000 साल तक परम धाम में रहता है। ऐसे बाप के संग के रंग में आवेंगे तो बाप का रंग चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? है, चढ़ेगा। और वो परम धामवासी बाप जिस मुकर्रर रथ में मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं तो उसकी भी स्थिति बाप समान पहले बनती है या कोई दूसरे की बन जाएगी? है, बाप समान उसी की स्थिति पहले बनती है। तो दोनों का नाम भारतवासी साथ साथ लेते हैं। और कोई मनुष्य आत्मा या देवात्मा या राक्षसी आत्मा नहीं है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाए। किसका जोड़ा जाता है? है, शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। क्योंकि बाप आकर उस हीरो पार्टधारी को पहले पहले आप समान बनाते हैं। तो जिसको आप समान बनाते हैं उसके संसर्ग में, संपर्क में, संबंध में जो आत्माएं जितनी जास्ती आवेंगी उतना उनको संग का रंग जरूर लगेगा। जैसे नेहरू जी के लोग लिए लोग कहते थे कि नेहरू जी का विरोध करने वाला कितना भी विरोधी क्यों न हो, जब नेहरू जी सामने आकर के भाषण करते थे तो इनके अनुकूल हो जाता था। तो किस बात का प्रभाव था? ये आत्मा के वाइब्रेशन का प्रभाव पड़ता है। इसलिए बहुत बच्चे कहते हैं कि हम बाबा से ढेर सारी बातें पूछेंगे लेकिन जब फोन कान पर रखते हैं तो सब भूल जाते हैं। तो क्या सब बच्चे भूल जाते होंगे? है नहीं, ये दिल की बात है। दिल जिनके नजदीक हैं वो सब भूल जाएंगे। दिल से जो नजदीक नहीं है वो नहीं भूलेंगे। और देव आत्मा ब्रह्मा की आत्मा है या देव आत्मा के बाप ब्रह्मा समान है? देव आत्मा में पहला पत्ता कौन है? कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की आत्मा। देव आत्माएं बुद्धू होती हैं या बुद्धिमान होती हैं? तो देव आत्माएं तो बुद्धू हैं। उनको जो जन्म देने वाले बाप हैं वो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं। वो सारी सृष्टि के बीज हैं, नई सृष्टि के पत्ते नहीं हैं। बीज में ज्यादा ताकत होती है या पत्तों में ज्यादा ताकत होती है? बीज में बहुत जास्ती ताकत होती है। और अच्छे अच्छे बच्चे जो है वो आपकी तैयारी कर रहे हैं। सुदामा काली निशान गाया हुआ है, चावल मुट्ठी ले आए। हाँ, जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं भले गरीब हैं उनके पास बहुत कुछ नहीं है, अरबपति करोड़पति नहीं है, गरीब हैं तो थोड़ा भी यज्ञ में
देते हैं तो उनको महल मिल जाते हैं। हद में भी लगता है और बेहद में भी ये बात लगती है। हद में चावल मुट्ठी का गायन है और बेहद में दो प्रकार के चावल हैं, एक दाई मुट्ठी में एक बाई मुट्ठी में। दाई मुट्ठी में है विजयमाला के मणके और बाई मुट्ठी में है रुद्रमाला के मणके। दोनों प्रकार के मणके देह अभिमान के छिलके से रहित हो चुके हैं। ऐसी आत्माओं का समूह, ऐसी आत्माओं का संगठन, ऐसी आत्माओं की माला बनाकर बाप के सामने पेश करते हैं तो सेवा तो करनी पड़ती है कि बिना सेवा के हो जाता है, है? सेवा करनी पड़ती है। एक एक राजसी आत्माओं को निकालने के लिए 100-100 प्रजावर्ग की आत्माओं की सेवा करनी पड़ती है। 100 को संदेश देते हैं तो एक वारसदार निकलता है। वो वारसदार चाहे विजयमाला का हो चाहे रुद्रमाला का राजा हो। तो जो गायन है दो चावल दो मुट्ठी चावल का, जरूर कोई संगठन बनाने के निमित्त आत्मा बनती है। शास्त्रों में जो गायन है किस समय का गायन है? संगम युग का गायन है। उसे चावल मुट्ठी देने वाले का नाम रख दिया है सुदाम। दाम कहते हैं धन संपत्ति को। सु माने सुंदर, जिसके पास आज की दुनिया की विनाशी धन संपत्ति नहीं है। कौन सी धन संपत्ति है? हैं? अविनाशी धन संपत्ति जो ईश्वर की दी हुई है। ईश्वर की दी हुई संपत्ति की कदर की है, मनन चिंतन मंथन किया है, घोटा लगाया है। गायन है अपनी गोट तो नशा चढ़े। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। कौन से स्थान की बात है? अरे कोई स्थान है जहां तिलक देत रघुवीर? चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़। उन्होंने चित्रकूट समझ लिया है स्थूल कूट को। कूट माने पहाड़। वास्तव में स्थूल कूट की बात नहीं है, कैलाश पहाड़ की बात है। कैलाश पर्वत की जब बात है तो वो स्थूल पहाड़ है या ऊंची स्टेज की बात है? ऊंची स्टेज की बात है। ये भी मनन चिंतन मंथन की ऊंची स्टेज है। उस ऊंची स्टेज को कूट अर्थात पहाड़ नाम दे दिया। कैसा पहाड़? चित्रकूट। चित्र माने साकार। ऐसा पहाड़ है जिस ऊंची स्टेज में पहुंच करके अपना ज्ञान का घोटा लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं कि मेरे स्टूडेंट ने मेरी बातों को इतना महत्व दिया, इतना समय लगाया कि मनन चिंतन मंथन करके उस दूध को अमृत बना दिया। जिस अमृत को पी करके देवताएं भी अमर बन जाते हैं।
इसलिए नाम पड़ता है अमरनाथ। तो सारे गायन पूजन कहाँ के हों, संगम युग के हैं। और छत्तीस के बाद कौन सा इंस्टीट्यूशन चलेगा, कौन सा भी चलेगा, साइकिल चलेगा कि चलेगा। बाबा ने कहा है संबत एक 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 शुरू होगा, तो ये नई दुनिया का संबत होगा या पुरानी दुनिया का संबत होगा। अब नई दुनिया का संबत संगम युग में शुरू होगा या सतयुग में शुरू होगा है? थोड़े कहते हैं सतयुग में शुरू होगा, थोड़े कहते हैं संगम युग में शुरू होगा। अच्छा संगम युग का अर्थ क्या है? संगम का ही अर्थ ही है दो का संगम, कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। तो जो सतयुग का आदि है, सत्य का आदि है, उस सत्य का फाउंडेशन सतयुग में ही पड़ेगा। सतयुग में जब कृष्ण या कृष्ण जैसी आत्माएं जन्म लेगी तब सत्य का फाउंडेशन पड़ेगा। यह संगम में पड़ता है और संगम में सत्य का फाउंडेशन डालने वाली कृष्ण जैसी आत्माएं होती हैं या उनको जन्म देने वाली आत्माएं होती हैं। कौन सत्य का फाउंडेशन प्रैक्टिकल में डालती है, है? संगम युग में सत्य का प्रैक्टिकल फाउंडेशन डालने वाली आत्माएं अर्थात सत्य संगठन बनाने वाली आत्माएं कृष्ण जैसी आत्माएं होंगी या उनको जन्म देने वाली आत्माएं होंगी? जन्म देने वाली आत्माएं होंगी। वो जन्म देने वाले बीज संगम में तैयार होते हैं या सतयुग में तैयार होते हैं? संगम में तैयार होते हैं। तो संगम में ही संबत एक 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 शुरू होगा। नया संबत शुरू होगा, वो सतयुग में शुरू नहीं होगा। सतयुग की कोई भी हिस्ट्री शास्त्रों में नहीं है, बैकुंठ की, स्वर्ग की अथवा जन्नत की अथवा पैराडाइज की जो भी बातें शास्त्रों में आई हैं, चाहे क्रिश्चियन शास्त्रों में आई हो, चाहे मुसलमानों की शास्त्रों में आई हो, चाहे हिंदुओं के शास्त्रों में आई हो, चाहे जैनियों के शास्त्रों में आई हो, वो कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। तो संबत एक 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 संगम युग में ही शुरू होना है। ऐसे नहीं 2036 के बाद जब सतयुग शुरू होगा, बच्चों के रूप में राधा कृष्ण का जन्म होगा तब संबत एक एक शुरू होगा, नहीं। बाबा ने तो बता दिया लक्ष्मी नारायण के चित्र में संबत एक 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 लिखा हुआ भी है। नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ तुम बच्चों को, केवल रावण के लिए होगा। नरक की दुनिया भी है, उस नरक की दुनिया के बीच
स्वर्ग का वर्षा ऐसे ही मिलेगा जैसे पाकिस्तान में जब सारा ब्राह्मण संगठित परिवार एक जगह रहता था। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में खून की नदियां बह रही थी और बाबा के बच्चे पाकिस्तान में आराम से रहे पड़े थे, उनको कोई जोखिम नहीं आया। तो वो एक मॉडल तैयार हो गया, यादगार बन गई, परंतु वो मॉडल था, वास्तव में स्वर्ग नहीं स्थापन हो गया। उसकी यादगार आज भी अजमेर में बनी हुई है, जहां ब्रह्मा का मंदिर है। अभी तो प्रैक्टिकल में होना है, सारी दुनिया में हाहाकार हो रहा होगा, खून की नदियां बह रही होंगी और बाबा के बच्चे बड़े मौज में रहेंगे। आज की मुरली में भी क्या बोला है, बाबा के बच्चे बड़े मौज में रहेंगे। और नेहरू का अर्थ क्या है? नेह माने स्नेह और रूह माने आत्मा। जो स्नेही आत्मा थी वो हद का नेहरू था, हद का गांधी था, और ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद का नेहरू है। उस बेहद के नेहरू ने भी भारतवर्ष में बड़े लंबे समय तक राज्य किया। इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री कोई दूसरा मंत्री नहीं बन सका। ऐसे ही जो बेहद का नेहरू है वो राजयोग सीख करके इस सृष्टि पर बड़े लंबे समय तक राजा बनता है। वो कौन सी आत्मा है? है जो ज्यादा योग लगाएगा वो जास्ती राजयोग सीख करके जास्ती बड़ा राजा बनेगा। लेकिन जो योग नहीं लगाते हैं, कारण या कारण पूर्व जन्मों का उनका हिसाब किताब ऐसा है, तो उनको जलन होगी, ईर्ष्या होगी, आग लगेगी या नहीं लगेगी? आग लगती है तो वो एफजी जलाते जलाते हैं या नहीं लगा जलाते हैं? तो पाकिस्तान वाले एफजी जलाते थे नेहरू जी की, हिंदुस्तान वाले उन्हें पसंद करते थे। अभी पिछले महीनों में फरुखाबाद में चौराहों पर महीने भर लगातार सामाजिक संस्थाओं ने बाबा के फोटो जलाए। तो शूटिंग यहां होती है या सतयुग में होगी? यहां शूटिंग होती है। सब बातें तुरंत बता देंगे तो आगे चल के क्या बताएंगे? हाँ,
कृष्ण के साथ राधा को नहीं दिखाते हैं भक्ति मार्ग में। हाँ, आठ पटरानियों को दिखाते हैं। रुक्मिणी का नाम का क्या हुआ राधा? रुक्मिणी का अर्थ है मणि बनते बनते रुक गई। सत्यभामा वास्तव में जो सत्यता का अर्थ है उस अर्थ में वो माँ है भारतवासियों की। उसका नाम सत्यभामा रख दिया गया। बाबा गाना के साथ किनके गुरु द्वारा ज्ञान मिला? सीता माता के द्वारा या सीता माता के द्वारा गाना के साथ मिला। दादा लेखराज ब्रह्मा सतयुग में किसकी संतान बनेंगे? बड़ी माँ की संतान बनेंगे या छोटी माँ लक्ष्मी की संतान बनेंगे? तो जरूर उनके दिल में जो ज्ञान की बात बैठ गई वो बोल बोल करने वाली माता के द्वारा बैठी या धारणा वाली माता के द्वारा बैठी? धारणा वाली माता के द्वारा निश्चय बुद्धि बने। हाँ जी, ये हिसाब है। यहाँ ज्ञान में जन्म देने के जो निमित्त बनता है वो ही वहाँ स्थूल जन्म देने के भी निमित्त बनेगा। और जब कृष्ण वाली आत्मा गुलजार दादी के द्वारा अव्यक्त वाणी चला रही होती है तब क्या उस समय शंकर द्वारा मुरली का क्लियरिफिकेशन भी सुनाया जा सकता है? क्योंकि यह बताया जाता है कि मुरली पढ़ने का कार्य कृष्ण वाली आत्मा करती है। क्या कृष्ण वाली आत्मा एक समय में फिर दोनों जगह हो सकती है? उनका नाम ही है कृष्ण। आपने दो पक्ष सुने होंगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। दूसरे शब्दों में कहा जाता है सूर्य उत्तरायण भी होता है और सूर्य दक्षिणायन भी होता है। दक्षिणायन का मतलब है जब दक्षिण में मकर रेखा के ऊपर सूर्य सीधा चमकता है तब दक्षिण भारत में दिन बड़े होने लगते हैं और उत्तर भारत में दिन छोटे होने लगते हैं। इसका मतलब सूर्य जब उत्तरायण में आता है तब भीष्म पितामह जैसी आत्माएं, भीष्म प्रतिज्ञा लेने वाली आत्माएं अपना शरीर छोड़ती हैं। दक्षिणायन सूर्य होता है तो शरीर नहीं छोड़ती है। ऐसे ही शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है, इनका भी हिसाब है। शुक्ल पक्ष का कनेक्शन सूर्य से है और कृष्ण पक्ष का कनेक्शन चंद्रमा से है। चंद्रमा का धूमिल प्रकाश होता है। निश्चयात्मक कोई बात नहीं होती है। जैसे बेसिक में मुरली सुनते थे तो सब बातों का निश्चयात्मक जवाब मिलता था, यह बहुत बातों में अनिश्चय आता था, बहुत बातों में अनिश्चय आता है, तो वो धूमिल प्रकाश हो गया चंद्रमा का। उसे चंद्र पक्ष कहो कृष्ण पक्ष कहो, वो कृष्ण पक्ष ब्रह्मा के पार्ट से कनेक्टेड है और सूर्य पक्ष
माना शुक्ल पक्ष है, वो ज्ञान सूर्य के पार्ट से कनेक्टेड है।